ओडिशा के बाराबती कटक विधानसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार सोफिया फिरदौस 8001 मतों के अंतर से जीतकर ओडिशा की पहली मुस्लिम विधायक बनी है। इसी के बाद से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो शेयर करते हुए दावा किया जाने लगा कि जीत के बाद इस रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। सूर्यकांत दास नामक इस एक्स यूजर ने भी ऐसे ही क्लेम के साथ ये वीडियो पोस्ट किया। वहीं और भी कई यूजर्स ने ऐसे ही दावे के साथ ये वीडियो पोस्ट किया है। व्हाट्सएप पर भी ये वीडियो शेयर किया जा रहा है। ऑल्ट न्यूज ने इस वीडियो पर संज्ञान लेते हुए जांच शुरू की। वायरल पोस्ट पर कमेंट करते हुए कुछ यूजर्स कह रहे हैं कि वीडियो में पाकिस्तान समर्थक दावे नहीं लगे हैं। इस आधार पर हमने कथित वीडियो को स्लो मोशन में प्ले किया। पाया कि वीडियो में सोफिया जिंदाबाद और बाद में मोकिम भाई जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे। ध्यान दें कि कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक मोहम्मद मोकिम सोफिया फिरदौस के पिता हैं। सोफिया फिरदौस ने ऑल्ट न्यूज से बात करते हुए वायरल दावे को गलत बताया और कहा कि ये एक हिंदू बहुल क्षेत्र है और वहाँ की 90% आबादी हिंदू है। उन्होंने बताया कि रैली में लोग उनके पिता के नाम से नारे लगा रहे थे। सोफिया ने इस मामले में ट्वीट करते हुए भी वायरल दावे को खारिज किया है। सोफिया ने हमें रैली के आयोजकों का ये वीडियो स्टेटमेंट भी भेजा, जिसमें वो उड़िया में बात करते हुए वायरल दावे को गलत बताते हैं। आम छोटी खुशी आनंद करूँ सोफिया जितना खुशी से पाने नाराज होते मोकिम भाई जिंदाबाद सोफिया दीदी जिंदाबाद कांग्रेस जिंदाबाद किंतु अन्य बात को नापी समाज कि घृण व्यक्ति खराब पथ को नौ कौन सत्यता ना तेणुक आपश्वास करेंगे ना धन्यवाद। यानी कांग्रेस विधायक सोफिया फिरदौस की रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाने का गलत दावा शेयर किया गया। ये कोई नई बात नहीं है कि विपक्षी पार्टियों के नेता की रैली में झूठे तौर पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाने का गलत दावा शेयर किया गया हो। इससे पहले भी कई बार लोग ऐसी रैली के वीडियोज शेयर कर ये झूठा दावा चलाते रहते हैं।